नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 8 अक्टूबर 2019 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आपको एक बार फिर से विजयदशमी यानी दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो एशिया के ओल्डेस्ट बैम्बू के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, हमारे नॉर्थ ईस्ट में असम में एक कोयले की खदान है जिसका नाम है माकुम कोल्ड फील्ड। नाम नीचे है माकुम कोल्ड फील्ड। ये जो कोयले की खदान है असम में है, यहाँ पर 25 मिलियन ईयर पुराना बैम्बू का अवशेष मिला है। मैं फिर से बोलता हूँ, माकुम कोलफील्ड जो असम में है, यहाँ पर 25 मिलियन ईयर पुराना बैम्बू यानी बांस का अवशेष मिला है। इससे साबित ये हो जाता है कि एशियन बैम्बू का जो बर्थ प्लेस है वो इंडिया है। साबित क्यों हो जाता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये फैक्ट जान लीजिए। इस अवशेष के मिलने के साथ ही अब यह साबित हो जाता है कि एशियन बैम्बू का जो बर्थ प्लेस है वो इंडिया में है। और देखो, ये काफ़ी अनकॉमन है। वैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा बैम्बू के अवशेष मिलते नहीं हैं। जो हमारे इंडिया में शिवालिक हिल्स हैं, शिवालिक हिल्स में नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू के अवशेष मिलते हैं। अदरवाइज बैम्बू के अवशेष मिलना इतना पुराना इंडिया में काफ़ी अनकॉमन है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 25 मिलियन ईयर पुराना बैम्बू का जो अवशेष मिला है, इससे ये क्यों साबित हो जाता है कि बैम्बू जो एशियन बैम्बू का बर्थ प्लेस इंडिया में है। वैसे देखो, चाइना का जो यूनान प्रोविंस है, यहाँ पे बैम्बू की सबसे ज़्यादा वैरायटी मिलती है। और यहाँ पे बैम्बू के सबसे पुराने जो अवशेष मिले हैं यानी फॉसिल मिले हैं, वो 20 मिलियन ईयर पुराने हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूनान में सबसे पुराने जो बैम्बू के अवशेष मिले हैं वो 20 मिलियन ईयर पुराने हैं। जबकि अभी यहाँ पे हमारे असम की माकुम कोलफील्ड में जो बैम्बू के अवशेष मिले हैं वो 25 मिलियन ईयर साल पुराने हैं। तो इसका मतलब तो देखो सीधा सीधा यही हुआ ना कि बैम्बू पहले इंडिया में था और बाद में इंडिया से चाइना में गया, क्योंकि ज़्यादा पुराने अवशेष इंडिया में मिले हैं। इवन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल देते हैं कि एशिया में बैम्बू इंट्रोड्यूस हुआ था यूरोप से। ये फैक्ट भी गलत साबित हो जाता है, क्योंकि देखो 23 मिलियन ईयर पहले तक इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का आपस में कोल्यूजन कंप्लीट नहीं हुआ था। मतलब दो प्लेट आपस में टकराएंगी तभी तो यूरोप से कुछ चीज़ें इंडिया में आएंगी ना, प्लांट्स या फिर एनिमल्स का माइग्रेशन होगा ना, जब दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी। लेकिन हमारे इंडिया में तो 25 मिलियन ईयर पुराने अवशेष मिले हैं बैम्बू के। इसका मतलब इंडिया और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से पहले ही जो बैम्बू था वो इंडिया में था। तो आप यूं नहीं कह सकते कि यूरोप से बैम्बू एशिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, समझ गए? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बैम्बू पर देखो क्लाइमेट और ज्योग्राफिकल चेंजेस का उतना ज़्यादा असर नहीं होता, या फिर यूं भी कह सकते हो कि बैम्बू क्लाइमेट और ज्योग्राफिकल चेंजेस के हिसाब से अपने आप को अडोप्ट कर लेता है, तो सर्वाइवल रेट काफ़ी अच्छा है बैम्बू का। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड से संबंधित है। कंटेक्स्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। देखो, आपने काफ़ी बार देखा होगा इस प्रकार की जो स्वाइप मशीन्स होती हैं उनकी सहायता से आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। हमारे देश में फिलहाल बात करें टीयर 4 और टीयर 4 सिटीज़ की, वहाँ पर टोटल 42 लाख के आसपास पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं यानी इस प्रकार की मशीन्स हैं। लेकिन सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की सहायता से पेमेंट करें। तो इसके लिए तो देखो ये होना ज़रूरी है ना कि इस प्रकार की जो मशीन्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों पर हो। मतलब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो। इसी को ध्यान में रखते हुए अब RBI ने प्रपोज किया है कि आप एक फंड इस्टेब्लिश करो, एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड। इस फंड की सहायता से हम ये इंश्योर करेंगे हमारे देश में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए मशीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हों। शायद वो किसी प्रकार की सब्सिडी देंगे दुकानदारों को कि अगर आप इस प्रकार की मशीन खरीदते हो तो हम सस्ते दामों में आपको इस प्रकार की मशीन उपलब्ध करवाएंगे यानी सब्सिडी देंगे। मतलब इस प्रकार की कोई योजना हो सकती है RBI की। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी फिलहाल इतनी जानकारी है कि RBI ने प्रपोज किया है इस प्रकार का फंड इस्टाब्लिश किया जाए
ताकि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो, और मेनली फोकस होगा टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज पर, और ये फ्रेमवर्क ऑपरेशनलाइज होगा दिसंबर 2019 से पहले। अगर देखो इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा, क्या सरकार पैसा देगी? एक तो देखो नाबार्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड जो है यहाँ से पैसा आएगा एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड में, और दूसरा आरबीआई का एक अलग से फंड है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, इस फंड से भी पैसा आएगा एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड में। इस फंड को इस्टाब्लिश करने को लेके आरबीआई का एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था, पेमेंट सिस्टम विजन डॉक्यूमेंट 2021, इसमें भी रिकमेंडेशन दी गई थी। और इसके अलावा नंदन निलंकनी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए। इस कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि आप अलग से एक फंड इस्टाब्लिश कीजिए एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड, जो कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, जिसकी सहायता से ज़्यादा लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे। सीधे शब्दों में बात करें तो स्वाइप मशीन्स या फिर पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, जिनकी सहायता से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट की जाती है, उस प्रकार की मशीन की संख्या को इंक्रीज किया जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन के बारे में है। देखो ये जो सेंटर है वो पिछले साल इस्टाब्लिश किया गया था, कहाँ पर? हमारे गुरुग्राम में इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर है। फिर से बोलता हूँ, गुरुग्राम में IMAC है। यहाँ पर पिछले साल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन इस्टाब्लिश किया गया था। क्या होता है इस फ्यूजन सेंटर में? देखो ये हमारा कोस्टल बॉर्डर है, टोटल लेंथ है 7500 किलोमीटर के आसपास। जगह जगह पर रडार लगे हुए हैं जो मैरीटाइम रीजन को पूरी तरह से मॉनिटर करते रहते हैं, जो शिप्स जाते हैं उनको डिटेक्ट करते रहते हैं। तो इस फ्यूजन सेंटर में इतने सारे जो रडार लगे हुए हैं पूरे हमारी कोस्ट लाइन पर, वो सारा डेटा इस सेंटर पर जमा होता रहता है, उस डेटा को बाद में एनालाइज किया जा सकता है। तो मकसद इस सेंटर को इस्टाब्लिश करने का ये था, हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसे स्ट्रेंथन करना। देखो कोई टेररिस्ट अटैक होता है, मान लीजिए जैसे 26/11 अटैक जब हुआ था तो टेररिस्ट आए थे बोट्स की सहायता से, तो इस प्रकार की कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा देखो वाइट शिपिंग होती है, वाइट शिपिंग कौन सी होती है? जो बिजनेस शिप्स सामान लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसे वाइट शिपिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो शिप्स गुजरेंगे वो डेटा भी इकट्ठा हो जाएगा इस सेंटर पर, और बाद में इस डेटा को शेयर किया जा सकता है दूसरे देशों के साथ। तो आप कह सकते हो ये जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है ये म्यूचुअल कोलाबरेशन हमारा मजबूत बनाएगा दूसरे देशों के साथ, और इंडियन ओशन रीजन में या फिर आसपास के रीजन में जो भी थ्रेट्स प्रीवेलेंट हैं उनको और बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। इसके अलावा मैरीटाइम पायरेसी को काउंटर करने में भी मदद करेगा ये इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। नेक्स्ट आर्टिकल जियोटेल के बारे में है, क्या कंटेस्ट है? देखो हमने चंद्रयान 2 मिशन को सेंड किया था जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों थे, लेकिन अफसोस लैंडर और रोवर फंक्शन नहीं कर सके क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी चंद्रयान 2 मिशन की मून पर। बट ऑर्बिटर जो है वो अभी अच्छे से काम कर रहा है, और हमारे चंद्रयान 2 मिशन में जो ऑर्बिटर काम कर रहा है उस पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्लास, पूरा नाम है चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इस क्लास इंस्ट्रूमेंट ने जियोटेल रीजन में पासेज के दौरान कुछ चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है ये जियोटेल रीजन क्या है, और इसी पर आज का ये आर्टिकल है जियोटेल रीजन क्या है। देखो सूर्य जो है वो अपनी तरफ से चार्ज पार्टिकल्स को एमिट करता रहता है जिसे कहा जाता है सोलर विंड, और अर्थ के चारों ओर है मैग्नेटिक फील्ड। जब अर्थ के चारों ओर वाला मैग्नेटिक फील्ड सन से एमिट होने वाली सोलर विंड से इंटरेक्ट करता है तो एक मैग्नेटिक एनवलप डेवलप होता है। यहां पर आप देखिए इस पिक्चर को, ये मैग्नेटिक एनवलप डेवलप हुआ है। कैसे डेवलप हुआ है?
सोलर विंड और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने आपस में इंटरेक्ट किया और रिजल्ट निकला ये मैग्नेटिक एनवलोप। मैग्नेटिक एनवलोप की शेप देखो इस प्रकार से होती है, अर्थ का वो पोर्शन जहां पर अर्थ सन को फेस कर रही है यहां पर तो ये एनवलोप कंप्रेस हो जाता है, ये पोर्शन आप देख सकते हो खाली है क्योंकि मैग्नेटिक एनवलोप यहां पर कंप्रेस हुआ हो गया है, लेकिन जो दूसरी साइड है वहां पे ये मैग्नेटिक एनवलोप काफी ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है, तो ये एक प्रकार से पूंछ बन जाती है और इसी रीजन को कहा जाता है जियोटेल रीजन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जियोटेल रीजन देखो वो रीजन है जो डेवलप होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड्स के आपस में इंटरेक्ट करने से, और शेप इस प्रकार से होती है ये एनवलप उस पोर्शन में जहां पर अर्थ सन को फेस कर रही है वहां पर तो कंप्रेस हो जाता है लेकिन अपोजिट साइड में काफी एक्सपेंड हो जाता है, इसलिए ये जियोटेल रीजन जो है वो पूंछ की शक्ल का होता है। एक और खास बात, दूसरी साइड में ये जो एनवलप है वो इतना ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है कि ये लूनर ऑर्बिट को भी पार कर जाता है। यहां पे देखो ये लूनर ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में जो मून है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है और ये जो एनवलप है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है यानी लूनर ऑर्बिट को भी पार कर चुका है। जो चंद्रमा है वो इस जियोटेल रीजन में ऑलमोस्ट 29 दिनों में से 6 दिनों तक होता है, ऑलमोस्ट 29 डेज में मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है और 29 डेज में से 6 दिनों तक जो मून है वो इसी जियोटेल रीजन में होता है। एक खास बात जियोटेल रीजन की देखो ये भी है, साइंटिफिक फेनोमेनन को बेहतर ढंग से ऑब्जर्व किया जा सकता है इस जियोटेल रीजन में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जियोटेल रीजन क्या है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल टाइगर रिजर्व से संबंधित है, क्या कंटेस्ट है देखो, मध्य प्रदेश में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है राटापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस राटापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कुछ एरिया को काव आउट किया जाएगा और एक टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसका नाम यही होगा रातापानी टाइगर रिजर्व, समझ गए, मतलब ये रातापानी नाम की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इससे कुछ एरिया को अलग करके एक टाइगर रिजर्व इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या बढ़ के हो जाएगी 7, ऑलरेडी देखो मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन से हैं, बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बोरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। तो ये 7वां टाइगर रिजर्व होगा जो मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश होगा, ये मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ होगा रातापानी टाइगर रिजर्व। देखो मध्य प्रदेश को इंडिया का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स हैं वो मध्य प्रदेश में हैं, उसके बाद नंबर आता है कर्नाटक का और उसके बाद नंबर आता है उत्तराखंड का। टाइगर रिजर्व की हम बात करें, मकसद ये होता है टाइगर रिजर्व का कि टाइगर का जो हैबिटेट है उसे कंजर्व करना और इवेंचुअली टाइगर की ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को इंश्योर करना। टाइगर रिजर्व को इस्टेब्लिश किया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत, जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में वो सबसे पहला टाइगर रिजर्व था जो इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत, और वैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। ये बॉडी हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व की मैनेजमेंट को ओवरसी करती है। अगर बात करें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, ये देखो स्टैचुरी बॉडी है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है, और इस बॉडी को स्टैचुरी स्टेटस मिला था जब 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया गया था, और एक्ट का नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006। तो इस अमेंडमेंट एक्ट की सहायता से स्टैचुरी स्टेटस मिला था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। देखो टाइगर्स को कंजर्व करने की दिशा में जो भी इकोलॉजिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। अब आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से संबंधित, 3 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। पहली स्टेटमेंट, इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था यानी इस्टेब्लिश किया गया था एज ए स्टैचुरी बॉडी प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1973 में। दूसरी स्टेटमेंट ये है,
मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज चेयरमैन होते हैं इस बॉडी के। तीसरी स्टेटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स प्लान सबमिट करती हैं टाइगर को कंजर्व करने के लिए और अप्रूवल दिया जाता है इस बॉडी के द्वारा यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। तो सोच के बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है और क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। देखो पहली स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है। इस बॉडी को 1973 में इस्टाब्लिश नहीं किया गया था, 2005 में इस्टाब्लिश किया गया था। और दूसरी और तीसरी जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है बी, बी सही आंसर है। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या आर्टिकल्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने ओल्डेस्ट बैम्बू के बारे में डिस्कस किया, इंडिया में अवशेष मिले हैं 25 मिलियन ईयर्स पुराने। उसके बाद हमने एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड के बारे में डिस्कस किया, हमने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के बारे में डिस्कस किया, जियो टेल के बारे में हमने जाना और सबसे लास्ट में हमने जाना मध्य प्रदेश में एक 7वां टाइगर रिजर्व इस्टाब्लिश किया जाएगा जिसका नाम होगा रातापानी टाइगर रिजर्व। तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।